गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम जो है कार्य पत्रिका 8 हिंदी व्याकरण का चैप्टर जो है 16 उससे संबंधित कार्य पत्रिका 8 करेंगे। अपठित गद्यांश एवं शब्दों का खेल जो है पेज नंबर 17 कार्य पत्रिका 8 जो है हमारे एग्ज़ाम 13 डेट से शुरू होने वाले हैं और 22 को ख़त्म होंगे। तो हर एग्ज़ाम से पहले उस विषय का जो है रिवीजन डे है और उस दिन आपको उसी सब्जेक्ट का जो है रिवाइज करना है। जिस बच्चे ने नोटबुक अपनी कंप्लीट नहीं की है, जो है अभी जो रिवीजन होगा साथ साथ अपनी नोटबुक पूरी करनी है अच्छे से, और हर चैप्टर का जो है रिटन प्रैक्टिस के साथ जो है अभ्यास करना है। और जिन बच्चों ने जो अपनी कंफर्मेशन नहीं भेजी है कि हमारी नोटबुक कंप्लीट है, तो कृपया बेटा जल्दी से अपनी नोटबुक कंप्लीट करके जो है कंफर्मेशन सब्जेक्टिव टीचर के नंबर पर भेजें, ताकि वो जो है नोटबुक चेकिंग के आपके 5 मार्क्स पूरे लग सकें। नहीं तो आपके 5 मार्क्स नहीं लगेंगे। हर सब्जेक्ट में नोटबुक चेकिंग के 5 मार्क्स लगेंगे, इसलिए हर टीचर के पास, सब्जेक्टिव टीचर के पास आपको कंफर्मेशन भेजनी है कि हमारा वर्क कंप्लीट है, नहीं तो आपके वो 5 मार्क्स लेस हो जाएंगे। देखो बेटा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कौवा था, एक दिन उसे एक पनीर का टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर एक पेड़ की टहनी पर बैठ गया। तभी वहां एक लोमड़ी आई, उसने कौवे की चोंच में पनीर का टुकड़ा देखा, जिसे देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह पेड़ के नीचे आई और कौवे से बोली, भैया, लोमड़ी ने पनीर का टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। बेचारा कौवा काँव काँव करता रह गया और अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया। तो देखो बेटा, ये जो पैराग्राफ है ये कहानी है जो आपने पहले पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। ये कौवे और लोमड़ी की कहानी है जो है। इसको पढ़कर दो बार आपको ध्यान से पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं हल करने का प्रयास करना है। इस गद्यांश का शीर्षक दीजिए, मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ लिखिए। कौवे को क्या मिला? कौवा क्यों पछताया? कौवे का रंग कैसा होता है? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो करिए न चुप। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं हल करने का प्रयास करना है और इसकी आंसर की आपको अगले दिन भेजी जाएगी। धन्यवाद।